हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के क्रिस्पी पकौड़े। ये बनाना बहुत ही आसान है, मैं इसकी रेसिपी आपको आज देने वाली हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या लेने वाले हैं। ये मैंने दो तीन आलू लिए हैं, जिसका मैंने छिलका उतार के उसे अच्छे से वॉश करके उसके इस तरह से चिप्स जैसे हम पन बनाते हैं ऐसे स्लाइसेस बना लिए हैं। ये देखिए, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा मोटा नहीं, ऐसा हमने इसका स्लाइस निकाल लिया है। ये मैं एक टेबलस्पून नमक इसमें डालती हूँ और इसे बाजू में रख देती हूँ। इसके साथ ही हमें लगने वाला है ये एक कप मैंने बेसन का आटा लिया है, ये दो टेबलस्पून मैंने राइस फ्लोर लिया है, चावल का आटा, ये धनिया पत्ती हमने बारीक कट करके ली है, एक टीस्पून नमक लिया है, एक टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, एक टीस्पून हमने अजवाइन लिया है और 1/8 टीस्पून हमने हींग लिया है। और ऑयल हमें लगेगा आलू पकौड़ों को फ्राई करने के लिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं आलू के क्रिस्पी पकौड़े। आइए फ्रेंड्स, अभी पहले हम ये जो हमने बेसन का आटा लिया है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। आलू के पकौड़े बनाना बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ यही ट्रिक है कि इसके आटे को आपको अच्छे से मिक्स करना है। जितना आप अच्छे से इसे मिक्स करेंगे उतने आपके पकौड़े अच्छे बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छे से 4-5 मिनट के लिए विस्कर से विस्क कर लिया है। अभी हम इसमें ये 2 टेबलस्पून चावल का आटा डालते हैं। चावल के आटे से हमारे आलू के पकोड़े बहुत ही कुरकुरित बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। ये पहले अभी इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा पानी और डाल लेते हैं। बेसन और चावल के आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें कैसी चाहिए, ये इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। अभी बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। मैंने 1 ग्लास पानी लिया था, इसमें से इतना पानी बचा है। ये हींग है और अजवाइन है, ये दोनों मैं इसमें डाल लेती हूँ। साथ में ही नमक, रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाल लेते हैं और ये धनिया पत्ती हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम गरम ऑयल इसमें ऐड करेंगे, 2 चम्मच हम इसमें ये डाल रहे हैं। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और साथ में ही हम इसे पिंच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये दोनों साइड से हम इसे कोट करेंगे और इसे तेल में डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। जितने एट ए टाइम बैठ सकते हैं 6-7 उतने हम इसमें डाल देते हैं। अभी हम इसे गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा लेंगे
और इसके ऊपर ऐसे ऊपर से हम ऑयल डालेंगे। यहाँ फ्लिप कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतने फूले फूले हुए हमारे पकौड़े बन रहे हैं। दोनों साइड से हम पकौड़ों को अच्छे से कलर आने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, कितने फूले फूले हुए हमारे पकौड़े दिख रहे हैं। और ये कितने क्रिस्पी है, ये भी आप उसके आवाज से समझ सकते हो। इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और दूसरे पकौड़े हम डालते हैं। पांच छह हम पकौड़े इसमें डालेंगे। एक साइड से कलर आना शुरू हुआ है, हम इसे पलट लेते हैं। हमारे पकौड़ों को बहुत अच्छा कलर आया है और इसका कवर भी एकदम क्रिस्पी बना है। ये देखिए, आप खुद ही देख सकते हो कितना क्रिस्पी बना है ये। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े कितने अच्छे बने हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं, ये आप आवाज़ सुन के ही आपको पता चल रहा है। और ये भी देखिए, इतना मतलब इसका कवर एकदम अच्छे से और क्रिस्पी बना है। हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे फूले फूले और क्रिस्पी आलू पकौड़ों की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।